अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम सैर के लिए जा रहे हैं कश्मीर। पहली बार जा रहे हैं। कान एक्साइटेड हो? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। तो फिर हम आपको रास्ते में मिलते हैं। कश्मीर जाने का प्लान हमारा अचानक ही बना। जल्दी जल्दी से पैकिंग की और तैयार होकर सफ़र के लिए रवाना हो गए। घर से निकलने से पहले गाड़ी का और सबका सदका दिया ताकि हम खैर खैरियत से घर वापस आएं, और अगर दूर सफ़र पर जाएं तो सदका वगैरह ज़रूर देना चाहिए। एक घंटे का सफ़र तय करने के बाद यहाँ पे हम असर की नमाज़ के लिए रुके और फ्रेश वगैरह होने के लिए रुके। बच्चों ने वाशरूम वगैरह जाना था और उन्होंने कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें भी लेनी थी। हम घर से तकरीबन 4:30 बजे निकले थे और 5:30 बजे जो है वो यहाँ पे हमने स्टे किया है। इसके आगे जो है वो कलर कहार का एरिया है, उसके भी बहुत प्यारे प्यारे व्यू हैं, आपको दिखाना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। ये व्यू चेक करें, कलर कहार का एरिया आ गया है। कितना प्यारा व्यू है। बस यहाँ से हम जल्द ही जो है वो इस्लामाबाद पहुँचने वाले हैं। कुछ ही घंटे का रास्ता रह गया है। आज रात जो है वो हम मरी में ही स्टे करेंगे, उससे अगले दिन हम मुजफ़राबाद जाएंगे, और फिर उससे अगले दिन जो है वो हम केल जाएंगे नीलम वैली में। वहाँ से हम जो उनका आखिरी गाँव है नीलम वैली का ताउबट, वहाँ तक जाएँगे, और वहाँ से जो है शंटर वैली भी जाएंगे, अड़न केल भी जाएंगे, और रास्ते में जो भी व्यू आएंगे वो हम आपको दिखाते रहेंगे, जैसे कि शारदा, कैरन, एलओसी, नीलम जेहलम डैम, धानी वाटरफॉल। ये सारे पॉइंट आपको दिखाएंगे कि किस किस जगह पे कौन सा पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट कितने किलोमीटर के फासले पर है, और जहाँ जहाँ से हम गुजरेंगे वहाँ के रोड के बारे में बताएंगे कि कौन सा रोड ठीक है और कहाँ का रोड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मोटरवे का सफ़र ख़त्म हो चुका था। अब हम इस्लामाबाद शहर में एंटर हो चुके थे। यहाँ पे मगरिब की नमाज़ के लिए हमने रुकना था, वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके और फिर पेट्रोल स्टेशन गए। वहाँ पे जो है वो गाड़ी में हमने पेट्रोल डलवाया और फिर आगे के सफ़र के लिए हम जो है वो रवाना हो गए। चेक करें कमाल का व्यू। रात के वक्त इस्लामाबाद में ये व्यू बहुत ही कमाल का था। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां थी। अब बस हम कुछ ही मिनटों में मरी पहुंचने वाले हैं। हम पूरे 10 बजे मरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है और काफ़ी सर्दी भी है। रश ज़्यादा होने की वजह से हमने सोचा कि यहाँ से निकलकर हम जो है वो नथिया गली चले जाते हैं और स्टे जो है वहीं पे करेंगे, लेकिन वहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुनसान है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा है। रात का तकरीबन 1:30 का टाइम है, तो वहाँ पे जाना जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। फिर हम दोबारा वापस जो है वो मरी आ गए हैं और इस रश में जो है दोबारा फंस गए हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो जल्द ही एक रूम लेते हैं। 1.5 घंटे के बाद जो है वो हमें रूम मिल गया है। तो रूम मिलने के बाद अब हम खाना खाने के लिए यहाँ पे आए हैं रेस्टोरेंट में। देखते हैं कि ये खाना कैसा है। खाना खाने के बाद जो है फिर हम आपको मार रोड की सैर करवाते हैं।
माँ रोड बाज़ार पे एक रेस्टोरेंट है चर्सी शनवारी, वहाँ से हमने चिकन कढ़ाई जो है वो लेकर खाना खाया, लेकिन बिल्कुल भी मज़े का खाना नहीं था। वहाँ से खाना खाने के बाद जो है हम बाहर माँ रोड बाज़ार में आए, यहाँ पे हमने चाय पी, लेकिन चाय भी हमें कुछ खास नहीं लगी। हम अपने व्लॉग का एंड जो है वो यहीं पे कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज चलिए आपको हम माल रोड की सैर भी करवाते हैं और लास्ट पे जो है अपने रूम का टूर भी करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। दुकान इधर बहुत सारे ये आपसे पहले तो स्टॉप करने क्या।